राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। फिलहाल सरकार के सभी रोकथाम के उपाय लगातार खारिज हो रहे हैं और कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से लगाया गया वीकेंड कर्फ्यू हो या नाइट कर्फ्यू, इसका कोई खास असर कोरोना पर पड़ता नहीं दिख रहा। दिल्ली में कोरोना सड़क से लेकर संसद और पुलिस थानों से लेकर कोर्ट तक हर जगह पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना सड़क से लेकर संसद और पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक हर जगह पहुंच चुका है। दरअसल दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में कोरोना बम फूटा है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज और लगभग 27 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कुछ होम आइसोलेशन में हैं, कुछ अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इससे अदालत की सुनवाई पर असर पड़ेगा। खबरों के मुताबिक 6 और 7 जनवरी के बीच संसद में काम करने वाले कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसको लेकर अधिकारियों ने बताया था कि 4 से 8 जनवरी के बीच संसद के 1409 कर्मचारियों में 402 स्टाफ सदस्य संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। अब कोरोना ने दिल्ली पुलिस के जवानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इसमें ऑफिसर और कांस्टेबल भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 22,751 केस सामने आए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान कोरोना से 17 लोगों की मौत भी हो गई है। इस दौरान 10,191 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और केस बढ़कर 60,733 हो गए हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में 1,000 से ज्यादा डॉक्टर्स भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।